तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे कॉटिक्स लाइफ नहीं कोको ट्रेडिंग में। सो जैसे कि हम जानते हैं हमारा चैनल का नाम चेंज हो चुका है एज अ न्यू ईयर गिफ्ट। आप लोगों के लिए बहुत सारा चीज भी अपडेट हुआ है, इसलिए हमने कुछ नाम में भी चेंजेस किया है विच इज कोको ट्रेडिंग। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जहाँ आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं वीडियो के बारे में आऊँ उसके पहले अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस। 2024 में हम एंटर कर चुके हैं एंड फॉर यू एज अ गिफ्ट मैंने बहुत सारा चीज इस चैनल पे अपडेट किया है, बहुत सारी चीजें अपडेट हुई है। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि हमने बहुत सारे चीज में अपडेट लाया है, तो प्लीज आप टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। ऐसा होता है यार कि आपको ना टेलीग्राम पे हर चीज आपको तुरंत पता चल जाता है, लेकिन वीडियो में उसको जाऊंगी शूट करूंगी बनाऊंगी अपलोड करूंगी तो वो वीडियो में नहीं हो पाता है। अगर कुछ मेरे को न्यूज मिलता है या कुछ अपडेट होता है या मुझे कुछ आपको अपडेट देना होता है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे देती हूँ। तो मेक श्योर आप मुझे टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करना, और अगर आपने फॉलो किया तो आपको पता है कि 31 दिसंबर को मैंने आपके लिए क्या स्पेशल अपडेट लाया है। तो मैं थोड़ा सा उस अपडेट के बारे में बोल देती हूँ। देखो यार, आपकी लर्निंग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। जैसे मैंने सीखा है मैंने वैसे कोशिश किया है कि आपको भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने का पूरा मैंने कोशिश किया है, मैंने ट्राई किया है जैसे मैंने सीखा है। इसके लिए आप लोगों के लिए मैंने वेबसाइट तैयार किया है, आपको वहां पर सारा अपडेट मिलते रहेगा। आप लोगों का ये क्वेरी था कि अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो तो थोड़ा डिले रिप्लाई आ रहा था, बट अब वैसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों के लिए फ्री बोट है, आप जितना मर्जी चाहो उतना क्वेश्चन पूछ सकते हो और अपनी लर्निंग को इनहेंस कर सकते हो। हमारा ट्रेडिंग सिग्नल्स डेली बेसिस पे था, ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगा। गिव अवेज भी होते थे, वो भी होंगे। नया क्या है मैं आपको ये बताती हूँ, कंपाउंडिंग सीरीज। एक्चुअली ये भी होते थे, कंपाउंडिंग सीरीज यानी कि यहाँ पर मैं जो ट्रेड प्लेस कर रही हूँ ना, मेरी जो कंपाउंडिंग हो रही है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मेरे साथ आप भी 100% कंपाउंडिंग करते हो, राइट? $100 to $1,000 अगर आपने किया है तो आपको पता है, जिन्होंने नहीं किया आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो। प्लीज टेलीग्राम पे फटाफट से फॉलो कर लेना। तो आप लोगों के लिए कंपाउंडिंग सीरीज चूंकि होता था वो होते रहेगा। नया ये है आप लोगों के लिए वेबसाइट है, फ्री बोट है, आप लोगों के लिए कंपाउंडिंग क्लासेस है, कोर्सेस है, और सब कुछ बहुत ही स्टेप बाय स्टेप है। यकीन मानो आपको और कहीं जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप कोको ट्रेडिंग को एक अच्छे से अगर आप इसको फॉलो करके अगर आप अपना ट्रस्ट दे रहे हो तो सच में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलोगे ही, क्योंकि मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, दोनों का टाइम बेकार का कहीं नहीं वेस्ट होना चाहिए। यही मेरा सिंपल सा फंडा है। जहां पर आज के वीडियो पे मैं बात करने वाली हूँ वॉल्यूम पे। यार वॉल्यूम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर हम प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड प्लेस करते हैं और उसको वॉल्यूम के साथ ऐड नहीं करते हैं तो क्या ही करते हैं। वॉल्यूम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो अगर हम इवन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैलिड है कि नहीं, ब्रेकआउट फॉल्स है या रियल है या किसी चार्ट पैटर्न का, हर चीज में वॉल्यूम, इनफैक्ट अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल भी हमको वॉल्यूम देता है। मार्केट में कितने ट्रांजेक्शन, कितने कौन बिग प्लेयर कहां, सब कुछ स्ट्रेंथ मार्केट में, वीकनेस, एवरीथिंग वी कैन नो बाय वॉल्यूम। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम। अगर हम यहाँ किसी इंडिकेटर का यूज करते हैं, ठीक है, अब इंडिकेटर हमको डिले रिजल्ट देता है। वो क्यों देता है, थोड़ा सा डिले देगा, बट वो इसलिए देता है क्योंकि वो या तो प्राइस को रीड कर रहा होता है या तो वो वॉल्यूम को रीड कर रहा होता है। तो अच्छा है कि मैं सीधे प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का तर्का लगा दूं, जिससे क्या होगा, हमको सिग्नल फास्ट मिलेगी एंड हम अपनी जो ट्रेड है वो शॉर्ट शॉर्ट में कर पाएंगे, समझ रहे हो। अब यहां पर वॉल्यूम को देखने के बाद मैं डाउन डायरेक्शन का ट्रेड पिस कर रही हूं। देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ओके, तो ये लेट से था, ओके, तो मैंने यहां पर जो ट्रेड प्लेस किया है वो वॉल्यूम को देखकर प्लेस किया है। और यकीन मानो ये चीज आप भी कर पाओगे, बस वीडियो को पूरा देखना बिफोर स्टार्टिंग। गाइस अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको इस चैनल पर बेस्ट इफेक्टिव ट्रेडिंग वीडियोस मिलते हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ वीडियोस तक हम लिमिटेड है, बहुत सारी चीजें होती है। प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ हम इसका रिजल्ट का वेट करेंगे और मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। सबसे पहले जब तक ये ट्रेड चल रही है हम बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं कि ये कैंडल्स क्या होता है, ठीक है। मार्केट में ये जो हमको कैंडल्स दिख रहा है भाई वो क्या है, हम जानते हैं कि ये हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस, ये हमको कैंडल्स, ओके,
शायद लास्ट में ओके सो चलो ठीक है, हमको ये ट्रेड विन हो चुका है। तो कैंडल क्या है? ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइस का, किसी शेयर या किसी एसेट का जो प्राइस है ना वो हमको कैंडल के रूप में दिखता है। ठीक है, अब एक जो मार्केट साइकोलॉजी है, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहे कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, इमोशन कर, नहीं, ये हमारा साइकोलॉजी हुआ। मैं मार्केट किस बेसिस पे वर्क करता है, मार्केट बिहेवियर, मार्केट साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ। ओके, विच इज अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि मार्केट में बहुत ही कमाल की लर्निंग है, प्लीज पूरा वीडियो को देखियो। हम ये कहते हैं कि मार्केट में क्या हो रही है, शेयर्स को बेचा जा रहा है, यहाँ सेलर्स एक्टिव है। अप ट्रेंड में हम क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना कि यहाँ पर बायर्स है, या यही कहते हैं ना कि यहाँ पर बाइंग हो रही है। बट मैं आपको क्या हूं अगर ये कहूं कि ऐसा नहीं है, राइट? एक्चुअली ये आपका स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट इन द सेंस अगर कोई खरीद रहा है तो एट द सेम टाइम कोई बेचने वाला भी है। यहां पर अगर आपको दिख रहा है कि शेयर अप गया है, यहां बिकवाली हुई है, बाइंग हुई है, तो एट द सेम टाइम यहां सेलिंग भी हुई है। ये है मार्केट साइकोलॉजी। अब यहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों का है, यहां ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि हमको दिखाता है, अच्छे से आपको दिखाएगा वॉल्यूम। दैट्स व्हाई वॉल्यूम इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। अब फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन सब कुछ पता चलेगा, आहिस्ते आहिस्ते हम जानेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से जानते हैं कि हमने भी समझा मार्केट में कैंडल्स क्या होती है, कैंडल्स में प्राइस होता है किसी शेयर या एसेट का। बिल्कुल बेसिक से ये भी समझ लेते हैं, एडवांस लेवल तक भी जाएंगे, डोंट वरी। ऐसा आपको वॉल्यूम का वीडियो और कहीं यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और बहुत मैंने इस पे रिसर्च किया है, उसके बाद में आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी एक्सपीरियंस, तो प्लीज इसको पूरा देखियो। अब देखो, अगर बात करूँ मार्केट में ये ग्रीन कैंडल की, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल और ये हो गई मेरी लोअर शैडो, ये हो गई मेरी हाई प्राइस, ये रेड कैंडल की बात, और ये हो गई मेरी लो प्राइस। अब मार्केट में बहुत ही बेसिक लेवल से हम चल रहे हैं, अगर ट्रेंड बढ़ता है, अपर ट्रेंड क्रिएट होता है, मतलब कि अगर मार्केट में बाइंग हो रही है, ग्रो हो रहा है मार्केट, ग्रोथ हो रहा है मार्केट में। एग्जांपल के लिए, जैसे कि कोई बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, देन 2, 3, 4, 5, 6, तो वो नीचे से ऊपर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, नीचे से ऊपर वो बढ़ रहा है, तभी हम उसको ग्रोथ बोलते हैं। तो हरा हरा का मतलब भी क्या होता है, मार्केट में ग्रो हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इसकी जो ओपनिंग है वो नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है, दैट्स व्हाई मार्केट ऐसे अप ट्रेंड क्रिएट कर पाता है। सिमिलरली जस्ट अपोजिट हो जाता है रेड कैंडल में, क्योंकि रेड कैंडल इन द सेंस कि मार्केट में गिरावट आ रही है। लेट सपोज कि अगर हम बहुत ऊपर किसी सीढ़ी पे चढ़े हुए, किसी मंजिला पे चढ़े हुए है, हम जब उसको उतरेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे गिरेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऊपर से नीचे की ओर हम गिरते हैं, इसलिए इसका जो ओपनिंग प्राइस है रेड कैंडल का जस्ट अपोजिट एंड क्लोजिंग प्राइस जस्ट अपोजिट। हाई इसका भी सेम है, हाई इसका भी सेम है, लो इसका भी सेम है, लो इसका भी सेम है। तो ये था मेरा कैंडल्स के बारे में, जो मैंने आपको बहुत बेसिक से बताया। बाकी आपके लिए कोर्सेस भी है, तो प्लीज टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, वरना बहुत चीज मिस कर रहे हो। इतना हम समझे। अब देखो, अगर मार्केट में वॉल्यूम अच्छी है, वॉल्यूम अगर आपकी ग्रो कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ओवरऑल अगर आपकी वॉल्यूम ग्रो कर रही है, यानी कि मार्केट में आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, वॉल्यूम में गिरावट आ रही है, ठीक है, लाइक दिस वॉल्यूम में गिरावट आ रही है, तो आपको समझना है मार्केट में वीक ट्रेंड है। इतना क्लियर हो गया? अगर हो गया तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी किसी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वैलिड है कि नहीं, ये चीज हम कैसे पता करें वॉल्यूम के साथ। लेट सपोज कोई चार्ट पैटर्न है, ठीक है, मैं अभी जैसे सिमेटिकल चार्ट पैटर्न हो सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट अभी हम समझते हैं नॉर्मली, एक्चुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है, अब इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ इस लेवल में, ठीक है, अगर आप एक फ्लैट सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ करते हो तो आप पाते हो मार्केट में यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, तो स्टिल मार्केट डाउन क्यों नहीं जा पाया,
डाउन जाना चाहिए था, बट मार्केट स्टिल डाउन क्यों नहीं जा पाया? अगर आप यहाँ पर चेक करो तो मार्केट में जो वॉल्यूम है वो अपने प्रीवियस इस ग्रीन वाले को देख लो, इससे बहुत छोटी बनी है। ठीक है, वॉल्यूम अगर आपको ग्रीन मिलती है तब हम उसको एज अ स्ट्रॉन्ग कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम रुकेंगे। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हुआ है, डोंट वरी, बहुत लाइव ट्रेड लेंगे, सब कुछ क्लियर होगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। अब एक चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट में हमको मिलता है रिवर्सल। रिवर्सल में इस छोटी सी रेड कैंडल को देखो, इस छोटी सी रेड कैंडल का अगर हम वॉल्यूम चेक करें कौन सा कैंडल है, तो आप मेरे कर्सर पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस रेड कैंडल की बात कर रही हूँ मैं। आप देख रहे हो कि इस रेड कैंडल की जो वॉल्यूम है, ठीक है, आप एक चीज देखो, मार्केट में इस रेड कैंडल के पहले जो रेड कैंडल है इसकी वॉल्यूम ग्रीन वाली बनी है जो कि बहुत स्ट्रांग बनी है, एंड उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है, इतना हम कंसिडर कर सकते हैं। हमको क्या चाहिए वॉल्यूम? एवरेज से ज्यादा चाहिए। एवरेज अगर हम इस सबका वॉल्यूम का एवरेज अगर एक लाइन अपने दिमाग में अगर इसको सोचते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो सबसे छोटी डंडी बनी है, मान के चलो ये बनी है, एटलीस्ट इससे बड़ी होनी चाहिए अभी जितनी भी डंडी बन रही है। क्यों? क्योंकि देखो, मान के चलो कि कोई 2 घंटे पढ़ता है, अगर वो आज अच्छा पढ़ा है तो हम क्या कहेंगे, वो 4 या 5 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा पढ़ा है तो उसको बोलेंगे अच्छा पढ़ा है, अपने एवरेज से। एवरेज पढ़ता है 2 घंटा, लेकिन अगर आज 3-4 घंटा पढ़ लिया है तो अच्छा पढ़ा है। एवरेज से अगर वो कम पढ़ लेगा तो हम कहेंगे कि आज वो गंदा पढ़ा है। तो वैसे ही मार्केट में हमको देख लेना है कि लास्ट मार्केट में कितना तक हुआ है। आप यहाँ पर देख लो, मार्केट में यहाँ तक लास्ट ये डंडी गई है, तो हमको क्या चाहिए, अब इससे ऊपर ही वॉल्यूम चाहिए सबकी, या फिर अगर इससे नीचे मिलती है तो हम इसको एज अ बैड कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस कैंडल की स्ट्रेंथ को देखो, इस कैंडल में हमको वॉल्यूम दिखती है बहुत स्ट्रांग, तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो रिजेक्शन हुआ है वो ट्रू रिजेक्शन है। किसका रिजेक्शन? आप देखो, इस कैंडल पे हमको क्या दिख रहा है, इस कैंडल पर हमको ये दिख रहा है कि ये कैंडल पूरा नीचे तक गई थी, यहाँ सपोर्ट एरिया डिमांड जोन है सोने पे सुहागा, मार्केट को पुश मिला, मार्केट ऊपर तक चली गई, और इसका वॉल्यूम कितना स्ट्रांग बना है, आप देख रहे हो वॉल्यूम इसका कितना स्ट्रांग बना है। हमको इसमें ये छोटी सी कैंडल पर हमको ये पता चल गया कि ओ, यहाँ पर जो सपोर्ट है एरिया वो तंदुरुस्त है, उसने काम किया है, वो पिंदूसा कुछ भी नहीं है कि वो उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता चला कि मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर हमको वॉल्यूम देखने को मिला है जो कि हमारे स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। बट इतना काफी नहीं है, परफेक्ट कैंडल पे ट्रेड कैसे प्लेस करना है मैं आपको ये भी बताऊंगी, डोंट वरी। उसके बाद हम फिर से पाते हैं मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है, मार्केट फिर से रेड कैंडल फॉर्म करके देता है, अगेन मार्केट हमको ग्रीन कैंडल फॉर्म करके देता है, लेकिन हमको चाहिए स्ट्रांग वॉल्यूम, कहीं ना कहीं यहाँ पर डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो आप देख रहे हो मार्केट में स्ट्रांग ट्रेंड नहीं है। अब हमको जैसे ही मिलती है एक सुंदर सी वॉल्यूम, जैसे कि यहाँ पर देख लो, इसके बाद अगर हम आप ट्रेड प्लेस करेंगे तो हम विन कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो चुका है, इस छोटा सा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा एरिया यहाँ पर क्रिएट हो गया था, उसका भी ब्रेकआउट हो गया है, एंड ब्रेकआउट देने वाली कैंडल की जो वॉल्यूम है वो स्ट्रांग है, उसके बाद आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। कैसे क्या करना है, 1 मिनट का मार्केट देख के आप 1 से 2 मिनट का ट्रेड प्लेस करोगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको इतना बता रही हूँ कि वॉल्यूम को हम रीड कैसे करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि कुछ भी चार्ट पैटर्न हो सकता है, ठीक है, मान के चलो किसी चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है, आपको चेक करना है क्या उसकी वॉल्यूम स्ट्रांग है, इफ यस तब आप इसको कहोगे रियल ब्रेकआउट या रियल ब्रेकडाउन, अदरवाइज ये फेक हो सकता है। ये किसी चार्ट पैटर्न पे भी वैसे ही वर्क करेगा, चाहे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो वहां पर भी वॉल्यूम का उतना ही इंपॉर्टेंस है। हो सकता है मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस वर्क करता है, बार बार ये जो रेजिस्टेंस वर्क करता है, अगर यहाँ पर आपको वॉल्यूम स्ट्रांग मिली, यानी कि सेलर्स बेचना चाहते हैं, इसकी हमको ये शो कर रहा है कि मार्केट में बिग प्लेयर्स एक्टिव है, बिग प्लेयर्स एक्टिव है, इसका मतलब देखो मार्केट में जो ट्रेंड होता है ना वो हमारे और आपके ट्रेड करने से ज्यादा कुछ प्रभावित नहीं होता है, हमारे और आपके ट्रेड प्लेस करने से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। मार्केट में बिग प्लेयर्स होने का बहुत जरूरी है। लाइक यहाँ पर देखो, है तो मार्केट का अप ट्रेंड, लेकिन यहाँ पर क्या स्ट्रांग ट्रेंड है अप? नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पर बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर एट द सेम टाइम ये चीज हमको पता कैसे चलता है कि बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड है और नहीं है, वॉल्यूम से। यहाँ अगर आपको वॉल्यूम कहीं भी कम, जैसे कि यहाँ देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ठीक है, वॉल्यूम देख रही हो कितने अच्छे से डाउन, यहाँ पर देखो वॉल्यूम देख रही हो कितने अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है
और यहाँ डाउन ट्रेंड की जो वॉल्यूम है वो बहुत ही तंदुरुस्त है। डाउन ट्रेंड है, गिर तो रहा है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ना जरूरी है। वो ये शो करेगा कि हाँ मार्केट ये जो गिर रहा है वो इसलिए गिर रहा है बहुत अच्छे से स्ट्रांगली, क्योंकि मार्केट में बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड है। ये चीज कैसे शो करेगा कि बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड है और नॉट इसके वॉल्यूम बढ़ने से। अब देखो यार, बिग प्लेयर्स मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट में स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अगर कोई खरीद रहा है तो उसी टाइम एट द सेम टाइम कोई बेच भी रहा है। हमारे और आपकी खरीदने बेचने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिग प्लेयर्स का होना बहुत जरूरी है। लेट सपोज मार्केट में किसी बिग प्लेयर ने 1 लाख का शेयर लिया, ठीक है, तो क्या सामने वाला भी बिग प्लेयर ही होगा? जरूरी नहीं है। हमारे और आपके जैसे 100 लोग मिलके भी उसको ये 1 लाख का शेयर कर सकते हैं। तो सामने वाला भी बिग प्लेयर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ 1 लाख का शेयर यहाँ भी है और 1 लाख का शेयर यहाँ भी है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिग प्लेयर पे। अब अगर मार्केट में आपको ये ट्रेंड कुछ भी मिलता है, ठीक है, लेट सपोज मार्केट में कुछ भी ये ट्रेंड मिल सकता है, ठीक है, इसी को कंसिडर कर लो। अब यहाँ पर बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से आप ओवरऑल ट्रेंड क्या बता सकते हो, अप है कि डाउन है? नहीं बता सकते हो, मार्केट रेंज में चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ जहां पर देखो, यहाँ बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड है, जहां आपको देखिएगा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है वहां बिग प्लेयर इंटरेस्टेड है। और क्या, और बिग प्लेयर जहां इंटरेस्टेड है वो मार्केट का इसके स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होने वाला है। अब ये पता करेंगे हम 4 तरीके से वॉल्यूम को रीड करके। वॉल्यूम को हम कैसे रीड करते हैं? 4 डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम वॉल्यूम को रीड करते हैं। अब मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ 4 तरीका क्या है। फर्स्ट यार देखो, अगर मार्केट में प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, यानी कि प्राइस बढ़ रही है बुलिश मार्केट हुआ, वॉल्यूम भी बढ़ रही है यानी कि मार्केट में बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड की सिग्नल है। ये हुआ मेरा फर्स्ट तरीका। मैं ना इसको लिखते भी जाती हूँ, ठीक है, ऐसे करते हैं। क्या था? प्राइस बढ़ रहा है एंड वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? प्राइस बढ़ रहा है एंड एट द सेम टाइम अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड, बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड है, ये शो कर रहा है। अब एक और चीज हम देखते हैं इसका जस्ट अपोजिट। प्राइस अगर हमारा घट रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड की बात कर रही हूं मैं, अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है बट वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है, जो कि ये शो कर रहा है कि हाँ मार्केट में जो सेलर्स आए हैं, जो मार्केट में गिरावट हो रही है, डाउन ट्रेंड है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि मार्केट में बिग प्लेयर है। अब बिग प्लेयर कब होते हैं? तब होते हैं जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनता है हमारा वॉल्यूम। तो इसमें भी हमको पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्केट है। इसमें क्या हुआ? इसमें जस्ट अपोजिट हुआ, प्राइस घट रहा है बट क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी कि बिग बिग प्लेयर्स है। तो ये भी हमको क्या शो करता है? स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को। लेकिन वॉल्यूम बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा हो जाता है कि प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है मेरा यहां पर भी ट्रेंड अप ही, लेकिन यहाँ पर हम इसको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि देखो प्राइस मेरा बढ़ रहा है लेकिन बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है, ये चीज हमको शो हो रहा है बिकॉज वॉल्यूम घट रहा है। अब वॉल्यूम क्या होता है यार, मैं ये आपको थोड़ा डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ। वॉल्यूम यानी कि द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन अ स्पेसिफिक टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वॉल्यूम का ग्राफ है वो 1 मिनट के मार्केट के हिसाब से है। अगर आप 5 मिनट का देखोगे तो वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, राइट? तो स्पेसिफिक टाइम। अब मार्केट में बायर्स और सेलर्स का जो ट्रांजैक्शन है, ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, सब कुछ हमको वॉल्यूम के साइज से पता चलता है। अगर वॉल्यूम अच्छा है तो ये गुड की बात है, अच्छी बात है। बट यहाँ देखो ट्रेंड अप है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, तो हमको ये शो कर रहा है कि प्राइस में रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल आ सकता है, बिग प्लेयर यहाँ कम इंटरेस्टेड है, रिवर्सल आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि वॉल्यूम अपना स्ट्रेंथ वापस ले आए और वापस से इंक्रीज होने लग जाए, राइट? ये भी हो सकता है, बट यहाँ पर रिवर्सल के चांसेस आ सकते हैं। अब एक और जो होता है वो है कि मार्केट में वॉल्यूम भी गिर रहा है, सॉरी प्राइस भी गिर रहा है एंड वॉल्यूम भी गिर रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड है लेकिन डाउन ट्रेंड में
वीकनेस है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम भी गिर रहा है। वॉल्यूम तभी गिरता है जब बिग प्लेयर्स मार्केट में नहीं है, और जब बिग प्लेयर्स मार्केट में नहीं है तो मार्केट में ज्यादा देर तक मार्केट नीचे नहीं गिर सकता है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये है चार तरीका जिसमें हम वॉल्यूम को रीड करते हैं। आई होप इतना चीज आपको क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ और उसके बाद फिर हम लाइव ट्रेड टेस्ट करेंगे। तो देखो, स्टार्टिंग से हम समझने वाले हैं कैंडलस्टिक क्या है। कैंडलस्टिक में हमको प्राइस शो होता है। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को जब हम जोड़ के ट्रेड प्लेस करते हैं तो इसका रिजल्ट ऑसम है। वॉल्यूम क्या है? तो द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन अ स्पेसिफिक टाइम। अगर मार्केट में लो वॉल्यूम बन रहा है यानी कि वीक ट्रेंड है, अगर मार्केट में आपका हाई वॉल्यूम बन रहा है यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। हाई से मुझे एक और बात याद आया, अगर आपको अचानक से मार्केट में हाई वॉल्यूम मिल गया, अचानक से मार्केट में था डाउन वॉल्यूम, अचानक से हमको ऐसे बम्पर बहुत बड़ा सा मिल गया, तो इससे बच के रहना है। क्योंकि अचानक से जो भी कैंडल्स में भी हमको अचानक से कभी कभी दिख जाती है, आप समझ रहे हो मेरी बात, तो वो चीज हो सकता है मार्केट हमको ट्रैप करने का कोशिश करे। अचानक से वाला चीज पे हमको उतना ज्यादा घबराना नहीं है। अगर अचानक से नहीं है तो फिर हमको उसका कंफर्मेशन मिलेगा उसके नेक्स्ट वॉल्यूम से, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न या फिर कुछ से भी हमको पता चल जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी चार्ट पैटर्न या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ कर, चलो चार्ट पैटर्न की बात कर लो या ब्रेकआउट की बात कर लो, अगर ब्रेकआउट हुआ है, लेट सपोज किसी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो आपको चेक करना है उसकी वॉल्यूम स्ट्रांग है कि नहीं। अगर उसकी वॉल्यूम स्ट्रांग है तभी आप उसको एज अ ट्रू ब्रेकआउट कहोगे, अदरवाइज ये फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है, ये फॉल्स भी हो सकता है। अब अगर इसी कैंडल की बात करो, इस ये ग्रीन कैंडल की बात करो, इसकी वॉल्यूम को आप चेक कर रहे हो ना, स्ट्रांग है, इसकी वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ओके कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप एक चीज देखो, मार्केट में अभी ये वॉल्यूम नीचे था, गिरा हुआ था इसके जस्ट पीछे वाला, ये अचानक से इतना बड़ा बन गया है। और मार्केट में अगर आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन की बात को याद करो तो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल भी क्रिएट हो चुका है। तो अचानक से मार्केट इसको तोड़कर अचानक से एक छोटी सी कैंडल गई है, इसी से हमको ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट में हमको एक और कैंडल का वेट करना है। अगर इसके बाद भी हमको एक ग्रीन वॉल्यूम मिलती है, स्ट्रांग वॉल्यूम मिलती, तो हम इसको ट्रू कंसिडर करते हैं। बट देख रहे हो मार्केट का ट्रेंड डाउन चला गया, बिकॉज देखो मार्केट यहाँ पर रश के इतने आराम से इस लेवल को तोड़कर नहीं जाएगा। तो प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम को ऐड करना है। अब मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी आप वॉल्यूम को ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पर मेरा एक सपोर्ट एरिया क्रिएट हो चुका है, यहाँ मेरा एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ मेरा एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया पर अगर आपको वॉल्यूम मिल रही है अच्छी, देखो वॉल्यूम अच्छी मिल रही है, यहाँ वॉल्यूम अच्छी है, अच्छी 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 है, तो हाँ ये हम मेरा ये हम इसको कह सकते हैं कि ट्रू साइन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो होने का। अब मार्केट में हमको डाइवर्जन दिखने को मिलता है प्राइस एंड वॉल्यूम में, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तब तो अच्छी बात है। बट प्राइस बढ़ रहा है या फिर प्राइस घट रहा है लेकिन वॉल्यूम हमारा मैच नहीं कर रहा है, वॉल्यूम वीक है, वॉल्यूम घट रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, तो ये हमारे लिए स्ट्रांग नहीं है मार्केट में, यहाँ बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है। तो डाइवर्जन बिटवीन प्राइस एंड वॉल्यूम ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलो हम लाइव ट्रेड लेते हैं। बस वॉल्यूम में इतना ही चीज है यार, बस आप इतना ही चीज को आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है, इतना ही चीज आपको समझना है। आई होप इतना कुछ आपको समझ में आया है। अगर आया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अदरवाइज मैं इसमें और चेंजेस करूंगी और उसको और तोड़ तोड़ के बोलूंगी, ठीक है। अब एक चीज देखो, मार्केट में डाउन ट्रेंड है, यहाँ से देखो डाउन ट्रेंड है, वॉल्यूम की भी साइज देख लो तो उतनी कुछ खास नहीं है, देख रहे हो मार्केट में सिर्फ रेड 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 वॉल्यूम बन रहा है। ग्रीन वॉल्यूम बनता तो हम इसको चंगा कहते हैं। देखो मार्केट में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, इसकी पहचान कैसे मिल रही है? वॉल्यूम से। वॉल्यूम की कलर क्या है? ग्रीन 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 ग्रीन। यहाँ पर क्या है? डाउन ट्रेंड तो है लेकिन वॉल्यूम चंगा नहीं है, तो ये रिवर्सल का साइन है। अब रिवर्सल ट्रू है या फॉल्स है ये चीज हमको वॉल्यूम से पता चलेगा। इस छोटी सी ग्रीन कैंडल एकदम छोटी सी डोजी बनी है, राइट? देखो यार एकदम छोटी सी डोजी बन के इसको इतना, मतलब इस डोजी में इतना पावर है कि ये ट्रेंड को चेंज कर रहा है। देख रहे हो मार्केट अप जा रहा है, क्यों? क्योंकि इस छोटी सी डोजी को छोटी मत समझना, इसकी वॉल्यूम को चेक करो कितना स्ट्रांग ग्रीन बना है। जस्ट उसके बाद भी हमको जो वॉल्यूम मिला है वो ग्रीन बना है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो ट्रेड है वो प्लेस कर दिया है। इसका रिजल्ट का वेट करेंगे। हालांकि थोड़ा सा ये फ्लक्चुएट कर सकता है मार्केट, ऑफ कोर्स, बिकॉज एक रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लेवल पर कोशिश करिए ट्रेड प्लेस ना करने का, अदरवाइज इट विल बी रिस्की, ठीक है। लेकिन या ये चीज आप देख रही हो मार्केट में, यहाँ एक छोटी सी कैंडल में इतना पावर है, कैसे पता चल रहा है कि ये कैंडल पे इतना पावर है कि ये ट्रेंड को चेंज कर सकता है?
ओके ये ट्रेड का रिजल्ट का वेट करी हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट में पहला डाउन ट्रेंड है एंड डाउन ट्रेंड में हमको वॉल्यूम डिक्रीज मिल रही है। यहीं पर साइन मिल गया था कि ट्रेंड चेंज हो सकता, रिवर्स हो सकता है। कंफर्मेशन मिल गया हमको डोजी से, छोटी सी है बट इस छोटी सी इसको मत समझना, इसकी देख लो वॉल्यूम ग्रीन बनी है, कितनी स्ट्रांग बनी है। अगेन एक और ग्रीन कैंडल बनी जिसकी वॉल्यूम क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया और वो विन कर लिया। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब हो सकता है कि सेम चीज आप भी फॉलो करो और आपको वो रिजल्ट ना दे, क्योंकि मार्केट में हम किसी भी चीज को फॉलो करते हैं ना उसके मार्केट के प्रीवियस बिहेवियर एंड साइकोलॉजी से करते हैं। लेकिन आप इसको डेमो में या फिर रियल में ही कम अमाउंट से प्रैक्टिस करोगे ना, आपका दिमाग इस तरीके से खुलने लगेगा कि आपको चीजें समझ में आने लगेगी कि किस बेसिस पे साइकोलॉजी वर्क कर रहा है। और कंपाउंडिंग वाले वीडियो में भी आप देख पाओगे कि मैंने कितना सारा ट्रेड लिया है और कितना सारा ट्रेड लेने का रीजन आपको बताया है, तो आपका दिमाग उस तरीके से सोचने खुद लग जाएगा और आपका भी प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं होता कि अगर आप अभी वीडियो देखे और आप ट्रेडर बन जाओगे। एक वीडियो देखने से कोई ट्रेडर नहीं बनता, लेकिन एक वीडियो देख देख के ही प्रैक्टिस करने से इंसान ट्रेडर भी बनता है। इसको चीपली मत लेना और या प्लीज प्रैक्टिस करना। अब वॉल्यूम की बात अगर आ ही गई है तो फिर से हम लाइव ट्रेड पेपर प्लेस कर ही लेते हैं। ओके अब हमको क्या चाहिए मार्केट में, ये देखो अप ट्रेंड है, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम का स्ट्रांग मिल रही है, नहीं मिल रही है, कहाँ मिल रही है, ग्रीन भी रेड भी, ग्रीन भी रेड भी, ग्रीन भी रेड भी, ग्रीन भी रेड भी, ग्रीन भी रेड भी। हमको क्या चाहिए, स्ट्रांग ट्रेंड चाहिए ना, तो हमको स्ट्रांग चाहिए मार्केट जहां पर सब कुछ आराम से फॉलो हो रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पर फॉलो हो रहा है, बढ़िया से फॉलो हो रहा है, क्या फॉलो हो रहा है, रिवर्सल हो सकता है। रिवर्सल क्यों हो सकता है, मार्केट में है स्ट्रांग अप ट्रेंड लेकिन वॉल्यूम की साइज डिक्रीज हो रही है, जो कि हमको मार्केट में रिवर्सल को शो कर रहा है। अब क्यों होगा रिवर्स मार्केट, बिकॉज एक और साइन ये भी हो सकता है रिवर्स होने के लिए, बिकॉज मार्केट में दो दो रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर है, मल्टीपल टाइम्स बार कैंडल में हमको रिएक्शन देखने को मिला है, बड़ा बड़ा शैडो, बड़ा बड़ा शैडो, बड़ा बड़ा शैडो, यहां तक शैडो जाकर रिजेक्ट हुआ है, यहां तक शैडो जाकर रिजेक्ट हुआ है, यहां तक शैडो जाकर रिजेक्ट हुआ है, कैंडल जाकर रिजेक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बेरिश है। अब इसकी कंफर्मेशन हमको कैसे मिली, इस ग्रीन बार से मिल गई, इस ग्रीन कैंडल से मिल गई। कितनी सुंदर ग्रीन कैंडल हमारे फेवर में बनी है, मुझे यहीं पर ट्रेड प्लेस कर देना था लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गई। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन, ये जो रेड कैंडल बनी है वो बेरिश नहीं है, बेरिश बेरिश कैंडल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बुलिशनेस को शो कर रहा है। व्हाई? क्योंकि देखो मार्केट में यहां तक नीचे गया था, उसके बाद इसको ऊपर में फेंका गया, जो कि हमको ये शो कर रहा है कि मार्केट में बुलिश है। ठीक है, बस अब हमको जो डाउन डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस करना है ना, वो हम तभी करेंगे जब ये जो ग्रीन, मैं आपको बताऊंगी कारण। ओके वो चीज नहीं फॉलो हो पाया। ठीक है, मैं डाउन डायरेक्शन की चाह रही थी ट्रेड प्लेस करना, लेकिन अब जो मेरी ट्रेड है वो अप डायरेक्शन में होगी, क्योंकि मैंने वॉल्यूम को रीड किया है। यार मार्केट में देखो वॉल्यूम को रीड किया है, मार्केट में कहीं ना कहीं वॉल्यूम फिर से मार्केट की आ रही है, इसलिए मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया है। आप कह सकते हो कि हम डाउन डायरेक्शन, हम तो पूरी तैयारी में थे भाई डाउन डायरेक्शन के ट्रेड के लिए। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैं कितने ज्यादा एक्साइटेड थी डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करने के लिए। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मार्केट रिजेक्ट हो रहा था मल्टीपल टाइम्स बार, मैं आपको बता ही रही थी, बट वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम की वजह से मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया, अदरवाइज मैं डाउन की प्लेस करने वाली थी और हमको हो जाता लॉस। इसलिए वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेड कैंडल में हमको वॉल्यूम इतनी स्ट्रांग मिल गई, आप ही देखो ना इस रेड कैंडल की वॉल्यूम कितनी स्ट्रांग बनी है, कितनी स्ट्रांग बनी है। उसके बाद जो रेड बार बनी है वो पहले वाले से छोटी बनी है, जो कि हमको ये शो कर रहा है कि मार्केट डाउन जाने में वीक है। वाई? बिकॉज देखो इस ट्रेड का रिजल्ट का वेट करते हैं, क्योंकि हमने वॉल्यूम के बेसिस पे इसको प्रॉफिट किया है। और 3-2-1 और ये हो गया हमको प्रॉफिट। ओके 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 सो मैंने यहाँ पर ये देखा मार्केट में ये कैंडल पूरा नीचे तक गया था, फिर इसको, या इसी की बात कर लो, फिर इसको किसने फेंका, क्योंकि है बुलिशनेस है, इसको ऊपर तक, इसको प्राइस को फेंका गया, जो कि एक बुलिशनेस पावर की वॉल्यूम में भी हमको शो कर रहा है, वॉल्यूम कितना अप बना है। ठीक है, अब उसके बाद बनता है हमारा रेड कैंडल जो इससे नीचे होता है। ठीक है, अगर नीचे होता है तो हमको क्या चाहिए था, इसकी भी वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग चाहिए थी, जो ये शो करता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है, लेकिन इसकी जो वॉल्यूम थी वो पहले वाले से छोटी हो गई, यानी कि डाउन जाने में मार्केट वीक है। अब हम यहाँ पर अप डायरेक्शन के ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बचे कुचे बायर्स है जो प्राइस को इस लेवल तक ले जाना चाहते हैं। अगर ये चीज आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। मैं अगला वीडियो ना
ये लाऊंगी कि वॉल्यूम को लेके कंपाउंडिंग करेंगे। तो मेरा रिकॉर्डर बंद हो गया क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही बोल दी तो मैं अब चलो वीडियो खत्म करती हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है। तो मैं इतना ही कह रही थी कि वॉल्यूम इतना ही है यार, इसको प्रैक्टिस करो। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं वॉल्यूम को लेकर ही कंपाउंडिंग करूँ जिसमें हम बहुत सारा ट्रेड बेस करेंगे और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, तो आप प्लीज 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 एटलीस्ट इस वीडियो में 10K व्यूज कर दो, देन मैं ये चीज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। क्योंकि कंपाउंडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा होता है और मैं आपके लिए इतना एफर्ट डाल रही हूँ, तो प्लीज यार थोड़ा लव एंड सपोर्ट दिखाओ, चैनल को ग्रो करवाओ, चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं। आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। टेलीग्राम भी फॉलो कर लेना यार प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।